हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रेंट के ऊपर, व्हाट इज़ फायर हाइड्रेंट। ठीक है, तो हम फायर हाइड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसे हाइड्रेंट्स आपने काफ़ी सारी जगह लगे हुए देखे होंगे, जैसे किसी मॉल के बाहर, किसी हॉस्पिटल के बाहर, किसी होटल के बाहर। ठीक है, तो ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम हम किस लिए यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, फायर हाइड्रेंट जो रहता है ये एक इस तरीके का सिस्टम रहता है जहाँ वाटर स्टोरेज रहता है विथ प्रेशराइज्ड वाटर के साथ। ठीक है, पानी का स्टोरेज, जैसे कि कहीं आग लग जाती है, छोटी से बड़ी आग लग जाती है, तो अगर आपको आग बुझानी है तो आप इस हाइड्रेंट से अगर अपने हॉस पाइप को कनेक्ट करते हैं तो आप आग ईजीली बुझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पानी रहता है वो प्रेशर के साथ रहता है। ठीक है, तो आप बड़ी से बड़ी साइज़ की आग भी इजीली इससे एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं, पर इसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास अच्छा कोई वर्कर या पर्सनल होता है तो। ठीक है, तो इसको कैसे आपको ओपन करना है, इसमें कैसे अपना हॉस पाइप कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग दौरान सिखाई भी जाती हैं। ठीक है, तो फायर हाइड्रेंट वाटर प्रेशर रहता है इसके साथ, इसमें ग्रेट प्रेशर के साथ ये रहता है। ठीक है, और ये डिज़ाइंड कैसा, रिंग शेप में ये डिज़ाइन रहता है, राउंड शेप का रहता है जैसा कि दिख रहा है आपको, और टू रूट्स इसकी रहती हैं। ठीक है, इस तरीके का ये फायर हाइड्रेंट रहता है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम आपने बहुत जगह देखे भी होंगे, पर जब आग लग जाती है तब हमको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप डायरेक्ट वाटर सप्लाई इससे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको वाटर सप्लाई ना मिले या कोई रोक दे, ऐसा भी नहीं है। अगर हाइड्रेंट सिस्टम है ज़्यादातर, और रहते भी हैं ये, क्योंकि होटल है कोई या कोई मॉल है, वहाँ अचानक से आग लग जाएगी तो कहाँ से पानी आएगा। चलिए मान लीजिए फायर ब्रिगेड भी आई, उसने अपना पानी अपने टेंडर में जो पानी लेके आया वो भी इस्तेमाल हो गया, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए ये फायर हाइड्रेंट पॉइंट लगे रहते हैं ताकि पानी की कमी ना पड़े। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इस तरीके के हाइड्रेंट रहते ही हैं, बाकी वहाँ तो पूरा इंस्टॉल रहता है फायर फाइटिंग सिस्टम, तो वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आती है। पर इन केस अगर किसी भी एरिया में आग लग रही है और आपके आसपास कोई होटल है या मॉल वगैरह है, तो आप वहाँ से वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रेंट सिस्टम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि स्क्रू डाउन हाइड्रेंट होता है, बॉल टाइप हाइड्रेंट रहता है, पिलर हाइड्रेंट भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के हाइड्रेंट रहते हैं। तो मेनली जो यूज़ किया जाता है अपने यहाँ वो ये जो ये फ्रंट में आपको दिख रहा है, इस तरीके का हाइड्रेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रू डाउन हाइड्रेंट अपने यहाँ मिलता है देखने को, पर बहुत कम ही रहता है ये। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, स्क्रू टाइप हाइड्रेंट क्या रहता है, ये भी अटैच्ड रहता है। ठीक है, अटैच्ड ये रहता है डायरेक्टली मेन वाटर सप्लाई से। ठीक है, जब भी आपको इसको यूज़ करना होता है, देखिए मशरूम टाइप का वॉल्व इसका है, ये मशरूम टाइप में ऐसे रहते हैं दोनों। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके क्लोज करके इसमें हाइड्रेंट में अपना हॉस पाइप कनेक्ट करके आप वाटर सप्लाई यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हाइड्रेंट रहता है जो कि पिलर टाइप रहता है। ठीक है, इसकी बॉडी कास्ट आयरन से बनी रहती है, गन मेटल से बनी रहती है। वॉल्व टाइप इसका कैसा रहता है, गार्डन टाइप, ड्राई बैरल टाइप, ठीक है, वेट बैरल टाइप, पिलर टाइप और वॉल टाइप। ठीक है, बेसिकली पिलर टाइप एक हाइड्रेंट पॉइंट रहता है। इसमें भी सेम वही, आपको वाटर सप्लाई लेनी है तो आप इसके जो कॉर्नर्स है वहाँ से अपना हॉस पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर यहाँ से भी आता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेंट पॉइंट हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, पर जब आग लग जाती है तब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। आप किसी भी तरीके की आग को, जब आपको वाटर, लेक ऑफ वाटर ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके वाटर को यूज़ कर सकते हैं, और ये इसीलिए होता है कि आप जल्द से जल्द आग पर काबू पा सकें। ठीक है, इसके कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप जब तक फायर ब्रिगेड आए तब तक उसका वेट करें। आप यहाँ से डायरेक्टली, आपके पास अगर जैसे किसी होटल में या किसी भी जगह पे आग लगती है तो उनके पास इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट करके आप हॉस पाइप इसकी आग बुझाना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि किसी भी वर्क प्लेस पे आप हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो आप होटल में हो किसी, या फिर किसी मॉल में हो, मॉल में भी जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा रहता है उसके लिए भी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं फायर फाइटिंग फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, वो लोग भी उसको देखते हैं।
तो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं। अब आपने कभी हाइड्रेंट पे वर्क किया ना हो और अचानक आग लग जाए और आपको हाइड्रेंट से हॉस कनेक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी वर्क करना है आपको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होगी तो आप इजीली उसे वर्क को कर पाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रेंट वैसे बेसिकली होते दो टाइप के ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, अब और बाकी चार टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो जो दो टाइप के हैं मैंने आपको बता दिया, स्क्रू डाउन हाइड्रेंट और ये पिलर हाइड्रेंट, ठीक है। एक बॉल टाइप हाइड्रेंट और होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के, और रोस्टर पंप्स के साथ ये क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं प्रेशर कंटेन करने के लिए, ठीक है। वाटर मेंस रहती है इनकी, जो कि सर्विस रिसर्वर्स के लिए यूज़ की जाती हैं, जो टैंक में वाटर टॉर्स में यूज़ की जाती हैं बैलेंस करने के लिए वाटर को और उनमें प्रेशर कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में बताया, हाइड्रेंट पॉइंट के बारे में, कि ऐसे जो हाइड्रेंट पॉइंट रहते हैं ये कहाँ और क्यों लगे होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना होता है, इनका प्रॉपर यूज़ क्या है, इन सब के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हाइड्रेंट सिस्टम आपको पता चल गया है तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसा इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्यों लगा है बाहर, है ना। तो ये यही शो करता है कि आपको जब भी आग लग जाती है तो आप इसके इस्तेमाल से आग जल्द से जल्द बुझा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक आज आपको समझाया वाटर हाइड्रेंट के बारे में, सॉरी फायर हाइड्रेंट के बारे में, व्हाट इज़ फायर हाइड्रेंट, ठीक है। सो थैंक यू।